बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर एक, मरने वाले इंसान की आंखें किसका पीछा करती हैं? ऑप्शन ए अपने माँ बाप का, बी अपने बहन भाइयों का, सी अपने रिश्तेदारों का, डी अपनी जान का। इसका सही जवाब ऑप्शन डी अपनी जान का। सवाल नंबर दो, अल्लाह किस इंसान को सबसे ज़्यादा नापसंद करता है? ऑप्शन ए झूठा, बी झगड़ेलू, सी सूदखोर, डी शराबी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी झगड़ालू को। सवाल नंबर तीन, वो कौन से सहाबी हैं कुरान पाक की एक आयत सुनकर एक महीने तक बीमार रहे? ऑप्शन ए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हो, बी अबू उबैदा जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हो, सी साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हो, डी ज़ुबैर बिन अम्माम रज़ियल्लाहु अन्हो। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हो। सवाल नंबर चार, मस्जिद नबवी में सबसे पहले चिराग रोशन करने वाले कौन से सहाबी हैं? ऑप्शन ए हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हो, बी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हो, सी हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हो, डी हज़रत आमिर बिन वासला रज़ियल्लाहु अन्हो। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हो। सवाल नंबर पाँच, कौन से सहाबी मस्जिद नबी के सतून के साथ 20 दिन तक बंधे रहे? ऑप्शन ए हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा, बी हज़रत साद बिन माज, सी अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजर, डी हज़रत फौलाद बिन सोईद। इसका जवाब हज़रत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंजर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने आप को एक गलती के एहसास में मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध दिया था और 20 दिन तक इसी तरह बंधे रहे। सवाल नंबर छः, कुरान पाक में हकीम लुकमान का जिक्र कितनी मरतबा हुआ? ऑप्शन ए दो मरतबा, बी तीन मरतबा, सी चार मरतबा, डी पांच मरतबा। इसका सही जवाब ऑप्शन ए दो मरतबा हकीम लुकमान का जिक्र हुआ कुरान शरीफ में। सवाल नंबर सात, वो कौन से सहाबी हैं जो खलीफा वक्त थे, इनकी शहादत यकम मुहर्रम अल हरम को हुई? ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हो, बी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हो, सी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हो, डी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हो की शहादत यकम मुहर्रम को। सवाल नंबर आठ, सबसे पहले काजी के अहदे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको मुकर्रर फरमाया? ऑप्शन ए हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो, बी हज़रत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हो, सी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो, डी ए और बी दोनों को। इसका सही जवाब ए और बी दोनों को, हज़रत अली और हज़रत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हो को। सवाल नंबर नौ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ई बहन का नाम क्या था? ऑप्शन ए हज़रत सईमा रज़ियल्लाहु अन्हा, बी हज़रत सोबिया रज़ियल्लाहु अन्हा, सी हज़रत समैया रज़ियल्लाहु अन्हा, डी मालूम नहीं। का सही जवाब ऑप्शन ए हज़रत सीमा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल नंबर दस,
मुसलमानों ने हबशा में जाकर कैसी ज़िंदगी गुजारी। ऑप्शन ए अमन अमान की, बी जुल्म व सितम की, सी बेबसी की, डी तंग दस्ती की। इसका सही जवाब ऑप्शन ए अमन व अमान की ज़िंदगी गुजारी हबशा में। सवाल नंबर 11, हज़रत खालिद बिन वलीद ने कौन सी जंग मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ी थी। ऑप्शन ए जंगे बदर, बी जंगे अहद, सी जंगे यमामा, डी जंगे इजराब। इसका सही जवाब ऑप्शन बी जंगे अहद लड़ी खालिद बिन वलीद ने। सवाल नंबर 12, किसने खाना काबा के अंदर हाजियों को कत्ल किया था। ऑप्शन ए अबू जाहिल, बी अबू लहाब ने, सी ताहिर करामती ने, डी इन तीनों में से किसी ने नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी अबू ताहिर करामती ने हाजियों को कत्ल किया खाना काबा के अंदर। सवाल नंबर 13, इस्लाम का आखिरी और पांचवा रुकन कौन सा है। ऑप्शन ए रोज़ा, बी ज़कात, सी जहाद, डी हज। इसका सही जवाब ऑप्शन डी पांचवा रुकन हज। हज इस्लाम का पांचवा और आखिरी रुकन है। अल्लाह पाक ने इंसान को हुक्म दिया कि अगर तुम इस्तेकात रखते हो तो हज करो। इस्लाम में इन पांचों अरकान का जिक्र इसलिए किया गया कि इन पांचों चीज़ों की वजह से इस्लाम दीगर मजाहिब से मुमताज़ है। सवाल नंबर 14, कौन सा कलमा इंसान को कुफर और शिरक के अंधेरों से निकाल लाता है। ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी दूसरा कलमा शहादत, इस्लाम का दरवाज़ा। सवाल नंबर 15, किस सहाबी को ख्वाब में अजान सिखाई गई। ऑप्शन ए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, बी हज़रत अंस रज़ी अल्लाह अन्हो, सी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो, डी हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हो। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को। सवाल नंबर 16, सुअर की चर्बी किस साबुन में इस्तेमाल होती है। ऑप्शन ए लैफबॉय, बी सेफ गार्ड, सी लक्स, डी कैप्री। इसका सही जवाब आजकल ये बात मशहूर है, बाद पेपर में भी आया है कि कुछ साबुन जो मगरबी कंपनियां बना रही हैं इसमें खंजीर और सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है। ये किस हद तक सही है, क्या ऐसे साबुन का इस्तेमाल करना जायज़ है। जब तक किसी शय के बारे में दो बातों की तहकीक ना हो जाए मखसूस शोबे के बिना पर इसको हराम या नापाक नहीं कहा जा सकता। एक ये कि इसमें हराम अज़ा का इस्तेमाल हुआ, दूसरा ये कि इस्तेमाल हुए के बाद इसका वजूद अपनी हकीकत के साथ बाकी है, दूसरे अज़ा के साथ मिलकर इसकी हकीकत ख़त्म नहीं होती। सवाल नंबर 16, कौन सी लड़की से शादी करना जायज़ नहीं। ऑप्शन ए बेपर्दा लड़की से, बी बदचलन लड़की से, सी बेहया लड़की से, डी शिरक करने वाली से। इसका सही जवाब ऑप्शन डी शिरक करने वाली से शादी करना जायज़ नहीं।
नाजरीन, कौन सा सवाल आपको अच्छा लगा? कमेंट्स करें, लाइक करें, भरपूर सपोर्ट करें, चैनल को, वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।